हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, वॉइस होता क्या है। लिखा हुआ है, मैन स्पीक्स और राइट्स इन टू फॉर्म्स, आइदर इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। वी ऑफन यूज एक्टिव वॉइस इन स्पीकिंग और राइटिंग। इन एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, देखिए, मैन के बारे में बताया कि मैन जो है वो किसी भी चीज को दो तरीके से लिख सकता है या बोल सकता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस होता है कृतवाच्य, जिसमें कर्ता जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, मीन्स जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। और पैसिव होता है कर्मवाच्य, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं होता, मतलब सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय होता है। ओके, तो यही होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इनके रूल्स पढ़ेंगे और फिर इनकी एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, ये है, देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होते हैं कृतवाच्य, जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं सक्रिय होता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे मोहन हेल्प्स द पुअर, अब यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, पैसिव वॉइस होता है कर्मवाच्य, जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय होता है या स्वयं कार्य नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे द पुअर आर हेल्प्ड बाय मोहन, तो ये किस तरीके का वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, मीन्स कर्मवाच्य। ठीक है, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होगी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो दिया गया वाक्य है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो देखिए, पहचान ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीन, बींग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वह वाक्य पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, देखिए, हमने टेंस में पढ़ा है, अगर हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर और वॉज, वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। लेकिन जब भी आपको इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन और बींग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो मींस वो पैसिव वॉइस है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, तो वो एक्टिव वॉइस होगा। तो बस ये एक पहचान याद रखिए, अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे द पुअर आर हेल्प्ड, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पे देखिए, दे आर हेल्पिंग, थर्ड फॉर्म नहीं आई आर के बाद, तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। फिर आई एम टीचिंग यू, तो आई एन जी वाली फॉर्म है तो ये भी एक्टिव वॉइस। यहाँ पे है बींग टॉट, बींग के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। आई एम हेल्प्ड, हैम के बाद जो है थर्ड फॉर्म लगाई गई है तो ये भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर आई एम हेल्पिंग होता तो ये एक्टिव वॉइस हो जाता। तो बस यही है पहचान पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की। ठीक है, चलिए अब रूल्स देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या कहते हैं कि जब हम वॉइस चेंज करेंगे, मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करें या पैसिव से एक्टिव में, तो जब हम वॉइस को चेंज करेंगे तो टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ना ही सेंस चेंज होगी। ठीक है, सेंस भी चेंज नहीं होगी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड का प्रयोग होगा। पैसिव में जब हम किसी भी उसका पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड का प्रयोग किया जाएगा, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, बीन, बींग के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस बनाते समय। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। हमारे पास एक्टिव है और हमें बनाना है उसका पैसिव, तो क्या चेंज होगा, देखिए, जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा हम उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देंगे। ओके, तो देखिए ये किस तरीके से चेंज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई गिवन है तो आई को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। यू सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, हु का बाय हुम हो जाएगा। मतलब जब हमारे सब्जेक्ट ये गिवन होंगे और हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इनमें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नाउन है, मतलब किसी के क्या कहते हैं उसे, किसी व्यक्ति का नाम वगैरह है तो वो वैसे का वैसा रहेगा, मतलब नाउन का नाउन ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेन टेबल है वो याद रखिए कि किस तरीके से चेंज होती है, बहुत इजी है। देखिए, अगर सेंटेंस में दिया है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो वो किस तरीके से चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजमार लग जाएगा उसके साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और लास्ट में पहुंच जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। और फर्स्ट फॉर्म का याद रखिए, फर्स्ट फॉर्म जहां आएगी वहां पे इजमार के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी सेंटेंस में तो इजमार की जगह कौन आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख ली, इजमार हो जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो इसी तरीके से चेंज होंगे, ये देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पे लगेगा क्या। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी, बाय भी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे तीनों चारों चीजें सेम रहेंगी। जो चेंज होगा वो होगी ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हमने इजमार लगाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई तो हमने वॉज वर्ब लगाया। अगर हमारे पास गिवन हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, तो हैज हैव है तो हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा उसका पैसिव बनाते हुए। अगर हमारे पास हैड गिवन है सेंटेंस में तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गया, अभी तो हमने पढ़ा था इजमार कब लगता है, मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इजमार आता है, लेकिन ऑलरेडी गिवन है सेंटेंस में इजमआर और उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगी है वर्ब की, तो वहां पे क्या होगा, इजमआर तो वैसे का वैसे रहेगा लेकिन आई एन जी फॉर्म की जो आई है उसकी जगह क्या लगा देंगे, बींग लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आई एन जी आएगा बींग लग जाएगा, वॉज वर्ब है और आई एन जी फॉर्म आ गई तो इसमें भी बींग लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस ऑब्जेक्ट है, तो अगर मोडाल आएगा तो मोडाल के साथ क्या लगाएंगे हम, बी लगा देंगे, ठीक है। जैसे कैन, कैन आ गया किसी सेंटेंस में तो कैन बी कर दिया, ठीक है। विल आ गया तो विल बी कर दिया, तो मतलब जो भी मोडल आएगा उसके साथ बी कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय और सब्जेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट है अगर मोडल के साथ हैव भी लगा दिया, अभी तो सिर्फ मोडल था और हमने उसके साथ क्या जोड़ दिया, पैसिव बनाते वक्त बी जोड़ दिया, लेकिन मोडल के साथ ऑलरेडी गिवन हैव तो क्या हो जाएगा, मोडल तो रहेगा ही साथ में हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। बी की जगह इस बार क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ओके तो बस ये रूल्स याद रखिए, बाकी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम इन्हें रूल वाइज देखते हैं, मतलब जो भी रूल पढ़े हैं अब इन्हें करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला रूल हमारा क्या था, प्रेजेंट टेंस आने पर हम हेल्पिंग वर्ब इजमार में से सब्जेक्ट के अनुसार उठाएंगे। सर टेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्रेजेंट टेंस बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त इजमार लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, और एम लगेगा आई के साथ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये था आई टीच यू डेली, अब टीच क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें देखिए क्या करना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू लेंगे, डेली नहीं लेंगे, यू लेंगे, जब डेली आएगा तो उसे जो है लास्ट में ही रखेंगे, तो यू हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें पता है यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर हो गया। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होगी और बाय आ गया, और आई का जो है, आई सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मी हो गया, और डेली को हमने ऐसे कह ऐसे जोड़ दिया, यू आर टॉट बाय मी डेली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी डज नॉट प्ले लूडो, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। देखिए शी डज नॉट प्ले लूडो, तो हमने यहां से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया लूडो, अब लूडो किस में लेंगे, सिंगुलर में लेंगे, तो सिंगुलर में लेंगे तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो लूडो इज नॉट को ऐसे के ऐसे रखा, इज नॉट, प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाय और शी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर बन जाएगा, ठीक है। तो लूडो इज नॉट प्लेड बाय हर, यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, ओके देखिए इसमें क्या करना है, हॉकी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डू नहीं होता, ये डू नहीं होता तो हम इसको कैसे लिखते, हॉकी इज लिखते क्योंकि सिंगुलर है, प्लेड लिखते और बाय यू लिख देते, इस तरीके से लिखते हम इसको, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन मार्क वाला पूछ लिया, डू लगा दिया पहले, तो जब भी डू मतलब क्वेश्चन मार्क में आएगा तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी, तो सिर्फ इस सब्जेक्ट इज को अगर मतलब यहां से उठाकर आगे रख दिया गया तो ये हो जाएगा इज हॉकी प्लेड बाई यू हो गया, ठीक है। तो जब भी डू आएगा तो सिंपल इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखिए, हु हेल्प्स यू, जब भी हु आएगा तो हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, ठीक है। तो ये बाय हुम हो जाएगा,
ठीक है, हु के लिए बाय होम हो जाएगा। और मान लीजिए हु नहीं होता, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यहाँ पे कैसे बनाते, यहाँ पे यू आर हेल्प्ड हो जाता। तो इस बार क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, आर को आगे ले जाएंगे, तो बाय होम होके यहाँ पे आर यू हेल्प्ड हो गया। ठीक है, तो बस जब भी क्वेश्चन मार्क आए क्या करना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट से पहले टिका देंगे, बाकी कुछ नहीं। आगे देखिए, वेयर डू यू प्ले हॉकी, वेयर को सेम रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। डू यू प्ले हॉकी, तो हॉकी इज प्लेड बाय यू, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर इज हॉकी प्लेड बाय यू। सिंपल बना के देख लीजिए और फिर उस हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो। व्हाट डज सी टीच यू, व्हाट को सेम रखिए व्हाट। अब देखिए, शी टीच यू, यू इसमें क्या है, प्लूरल में आ गया, तो यू के तो साथ तो आर आएगा, तो यू आर टॉट बाय हर होगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क है, तो व्हाट आर यू टॉट बाय हर। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो बना वो यू बना है, हम शी के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यू के साथ हमने पढ़ा था, यू के साथ आर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आने पर, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आने पर क्या करना था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आने पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और इज एम आर की जगह क्या यूज होगा, इस बार वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर हो जाएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये दी भी गई यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वाज किसके साथ लगेगा, वाज लगेगा सिंगुलर के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए टोल्ड, आई टोल्ड ए स्टोरी यस्टरडे, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए आई टोल्ड ए स्टोरी यस्टरडे, यस्टरडे नहीं लेंगे हम, यस्टरडे को हम लास्ट में ही रखेंगे, यस्टरडे हम लास्ट में रखेंगे। हम इसमें से क्या लेंगे, यहाँ पे ए स्टोरी ले सकते हैं, ए स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ए स्टोरी। ए स्टोरी अब सिंगुलर में जाएगा या प्लूरल में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ए स्टोरी वॉज, ए स्टोरी वॉज, ठीक है, क्योंकि यहां पर टोल्ड आया है, सेकेंड फॉर्म आई है तो हमने वाज लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी, टोल्ड ही रहेगी, तो स्टोरी वाज टोल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी यस्टरडे, तो इसका क्या बन जाएगा, स्टोरी वाज टोल्ड बाय मी यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए नहीं ऐसे कर लेते हैं और फिर जो है ना खुद करके देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। देखिए ये है, दे डिड नॉट हेल्प मी, दे डिड नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे देखिए, डू डज आते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और डिड आता है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए दे डिड नॉट हेल्प मी, मी आ गया, मी को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, आई वॉज, नोट था यहाँ पे तो नोट को नोट रखेंगे, नॉट हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय, और दे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, तो आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय देम यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन मार्क का देखते हैं, डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट, डिड को हम छोड़ देते हैं, चलो डिड नहीं था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट वॉज हो जाएगा ना, क्रिकेट वॉज, सॉरी हाँ, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉयज। अब हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क है तो हम इस वॉज को आगे ले आएंगे, तो वॉज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट देखिए, हु सॉल्व्ड दीज सम्स, हु की जगह क्या लिख देंगे, बाय हुम लिख देंगे। ठीक है, और दीज सम्स इतना अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, दीज सम्स, सम्स है प्लूरल है तो वर आएगा, दीज सम्स वर सॉल्व्ड, तो अब वर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है उससे पहले लगा देंगे, तो बाय होम वर दीज सम सॉल्व्ड यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस सबको पता है कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। ठीक है, वो होता है कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस हो, ये नहीं कि सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं, इज एम आर की या
सिर्फ इस एमआर की बात नहीं करिए, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो, वॉज वर वाला हो जाए, ठीक है, वॉज वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आए तो वो कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आने पर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज एमआर के साथ बींग वर्ब जोड़ दिया जाएगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी की, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब की फॉर्म आएगी और उसके साथ हम बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल यहाँ हमने आई एम टीचिंग यू, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट वो आ गई है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो यू का यू रखा हमने, यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब रखी आर, लेकिन क्या करेंगे आईएनजी फॉर्म थी तो बीइंग कर देंगे और टीचिंग की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी बाय Me, you are being taught by me. Next देखते हैं, she was cooking the food, ठीक है, was cooking, यानी कि continuous tense आ रहा है फिर से, the food, food के साथ क्या लगेगा was, being हो जाएगा और ठीक है क्या ing form थी, the food was being, cook की third form cooked by her हो गया। Next है, are you taking tea, are you taking tea, ये हो है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये होता है you are taking tea तो हम इसको कैसे बनाते, टी इज बींग टेकन बाई यू करते, इसमें क्या करेंगे टी इज की बजाय क्या कर देंगे, इस बार इज को आगे ले जाएंगे, इज टी बींग टेकन बाई यू जो है यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार उठाएंगे और इनके साथ बीन लगा देंगे, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा बीन जुड़ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी ही रहेगी। ओके ये भी याद रखिए हैव जो है वो आई के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी, और हैड जो है वो दोनों के साथ ही आते हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो। नेक्स्ट देखिए ही हैज रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर मीन्स ए रिट लेटर हैज था बीन और लग जाएगा और रिटन का रिटन रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म गिवन है बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टोल्ड ए लाई, अब हमें पता है के साथ जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बीन तो जरूर जुड़ेगा, ठीक है, टोल्ड भी सेम रहेगा तो हैव, बट हमें देखना पड़ेगा हैव बीन टोल्ड आएगा या हैज बीन टोल्ड, अब यहाँ पे बात हो रही है ए लाई, ठीक है, यहाँ पे तो यू के साथ तो हैव आ गया लेकिन ए लाई है इस बार तो इसमें क्या आ जाएगा हैज हो जाएगा, ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैड ब्रोकन माई स्लेट, तो हैड तो सबके साथ आता है सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो माई स्लेट सीधा क्या किया हैड बीन ब्रोकन बाय हिम, ठीक है। सरला हैज ए काउ इज हैड बाय सरला, ठीक है, क्या किया बस इसे जो है हैज को थर्ड फॉर्म में कर दिया है, ठीक है, तो एकाउ इज हैड बाय सरला यहां पे सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5 है फ्यूचर टेंस, अगर शैल विल आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही, साथ में क्या हो जाएगा शैल और विल के साथ बी और जुड़ जाएगा जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए यूज फ्यूचर टेंस, शैल आई वी के साथ शैल आता है, ही शी और प्लूरल के साथ विल आता है, ये है ही विल हेल्प मी टुमोरो, ही विल हेल्प मी टुमोरो, तो मी था टुमोरो को तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे टुमोरो लास्ट में लगेगा, मी था आई के साथ हमने पढ़ा शैल आता है तो आई शैल हो गया, शैल के साथ अब बी भी जोड़ना है तो आई शैल बी हो जाएगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी इसमें, बाय हिम आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम, ओके अगर देखिए अगर किसी सेंटेंस में शैल और विल के अलावा कोई और अन्य मोडाल आए जैसे कैन कुड मस्ट शुड वुड मी माइट आ जाए तो ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे, तब क्या रहेंगे अगर कैन आया तो कैन रहेगा कुड आया तो कुड रहेगा, ये नहीं होगा कि कैन जो है कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यू मस्ट ओबे हिम, हिम की जगह हमने क्या लिखा ही और मस्ट था तो ही मस्ट बी और ओबे की जगह ओबेड और बाय यू, ठीक है, मतलब इसमें जो है वो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं पड़ेगा, जो भी है यहाँ पे अगर मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा चाहे वो सिंगुलर आए चाहे वो प्लूरल आए। ओके नेक्स्ट है वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी शुड बी
डन हो जाएगा यहाँ पे, ड्यूटी शुड बी डन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस आने पर, अगर शैल विल के साथ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, शैल विल हैव बीन जो है पैसिव वॉइस बनाते वक्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, वेट, आई शैल हैव टॉट दैम, इसको किस तरीके से बनाएंगे, आई शैल हैव टॉट दैम। देखिए अब यहाँ पे शैल हैव और थर्ड फॉर्म आ गई, इसको बनाएंगे दैम, दैम को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, दैम को किस में चेंज हो जाएगा, ये दे में चेंज हो जाएगा। अब दे के साथ क्या आता है, दे के साथ विल आता है, तो दे विल हैव था तो हमने हैव का हैव रखा, और हैव के साथ बीन भी जोड़ देंगे, दे विल हैव बीन टॉट बाय मी, इस तरीके से ये हो जाएगा, दे विल हैव बीन टॉट बाय मी। एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लेके देखें तो देखिए, यू मस्ट हैव लर्नड योर लेसन, यू मस्ट हैव लर्नड योर लेसन, इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए योर लेसन हम सब्जेक्ट बनाएंगे, योर लेसन मस्ट इस बार यहाँ पे सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो योर लेसन मस्ट हैव, और इस बार क्या आ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, मस्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म लर्नड बाय यू, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और रूल्स हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस मींस उपदेशात्मक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे ओपन द डोर, अब आपको इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है, ओपन द डोर, सिर्फ डोर को ओपन करने के लिए कहा गया है, किसे कहा गया है ये तो नहीं पता ना हमें, तो सिर्फ ये है कि ओपन द डोर। तो इस तरीके के वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं आता है वो किस तरीके से चेंज होते हैं, देखिए ओबे यूर एल्डर्स हो गया, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, तो इसमें हम क्या लगाते हैं लेट, इस तीन तरीके से बन सकता है, या तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बी लगा दिए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर यू आर आस्क्ड या यू आर टोल्ड टू, मतलब डायरेक्टली ये हो जाएगा, जैसे अगर आप यू आर आस्क्ड लगाएंगे तो यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, तो जैसे ये ओपन द डोर को तीनों में चेंज करके दिखाया गया, एक तो इस तरीके से पहले हमने पढ़ा था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे लेट लगाया हमने, फिर ऑब्जेक्ट लेट द डोर, ये हो गई लेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ बी और थर्ड फॉर्म वर्ब की, एक तो ये तरीका है इसको बनाने का, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ बी ऐड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। दूसरा तरीका कौन सा है, ऑब्जेक्ट लाइए पहले, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे द डोर, और उसके साथ शुड बी जोड़ दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से भी इंपेरेटिव सेंटेंस को किया जा सकता है। थर्ड था सीधा डायरेक्टली कि यू आर आस्क्ड टू लगा दीजिए या फिर यू आर टोल्ड टू लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया यहाँ पे यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, टोल्ड टू भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं आप। ओके, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए किस तरीके से बनेगा, और फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में वो कौन सा रखेगा, ऑब्वियसली तीनों तो रखेगा नहीं, इनमें से कोई एक आएगा, तो लेकिन रूल तीनों पता होनी चाहिए कि कौन सा आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगर प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य हो तो इसमें तो डायरेक्टली था ओपन द डोर, अगर ऐसे वाक्य हो जो प्लीज शुरू हो, जैसे हमने पढ़ा था प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज हेल्प मी, इस तरीके के जब वाक्य होते हैं उनमें क्या करेंगे, उनका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लगाएंगे शुरू में, यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर इट इज रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो हमने बोला प्लीज हेल्प मी, तो हम सीधा क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज को जो है हटा देंगे। ओके, इट इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मतलब यहां से क्या लगे, या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए या इट इज रिक्वेस्टेड टू लगाइए, और प्लीज को वहां से कट कर देंगे और बाकी जो बचेगा वो उसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई भी वो नहीं था, ओपन द डोर हमने पढ़ा था, लेट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेंगे, ऑब्जेक्ट होगा प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं, या फिर यू आर आस्क्ड टू या फिर यू आर टोल्ड टू कर सकते हैं। अगर प्लीज वाले से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए या फिर इट इज रिक्वेस्टेड टू लगाइए। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी या इट इज रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, एक और है, नेवर ऑलवेज, पॉजिटिव वे से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ओके, जो पॉजिटिव वे से शुरू होते हैं, नेवर यूज हुआ है लेकिन पॉजिटिव वे में,
जैसे नेवर टेल ए लाई, उनको बनाते हुए हम क्या लगाएंगे, यू आर एडवाइज टू. तो जब भी नेवर आएगा, ऑलवेज आएगा और वो पॉजिटिव वे से शुरू हो रहे हैं तो वहां पे यू आर एडवाइज हो जाएगा. जैसे नेवर टेल ए लाई, तो यू आर एडवाइज नेवर टू टेल ए लाई. ठीक है, फिर है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, तो यहां पे हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी. वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे ना उनका पैसिव यू आर एडवाइज्ड टू लगाने से बन जाएगा. ठीक है, ओके, आगे एक और नोट देखिए, बैन और फॉरबिड वर्ब के बाद डू नॉट हट जाएगा. ओके, जैसे ये है डू नॉट स्टैंड हेयर, डू नॉट जो है इनके बाद हट जाएगा. द यू आर बैंड या फोरबिडन टू स्टैंड हेयर, ये डू नॉट हटा दिया यहां पे, जिस इस तरीके के आएंगे. देखिए जब इस तरीके के नोट वाले वाक्य आएंगे, जैसे डू नॉट स्टैंड एयर था, तो हम क्या करेंगे, जब हम बैंड और फॉरबिडन यहाँ पे लगाएंगे तो डू नॉट को हटा देंगे, तो यू आर बैंड और फॉरबिडन टू स्टैंड हेयर. या फिर ये कह सकते हैं यू आर आस्क्ड नॉट टू स्टैंड हेयर. सिट डाउन का पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन. ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बी सिटेड भी लिख सकते हैं, तो दोनों आपको पता होने चाहिए. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगर वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैसे, जैसे वन आई, नो वन आई, एवरी वन, एनी वन, सम वन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, पीपल, ए बॉय, ए बैन, ए पर्सन आ जाए, तो हम इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते. ठीक है, तो इस तरीके के अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आते हैं वाक्य में वहां पे हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते. जैसे पीपल हेल्प द पुअर, पुअर पीपल आ गया, यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, द पुअर, तो ठीक है आर भी सही है, तो सिंपल क्या जाएगा, द पुअर आर हेल्प्ड बाय पीपल नहीं होगा, बाय नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लिखेंगे, द पुअर आर हेल्प्ड. फिर समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो माय पेन हैव बीन स्टोलन, माय पेन्स हैव बीन स्टोलन, बाय समवन मत जोड़ना, सिर्फ इतना माय पेन्स हैव बीन स्टोलन. तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जब भी होंगे उन्हें हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में. आगे है रूल नंबर 9, हैविंग टू ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और दूसरे वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. अगर बाद वाले ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो पहले वाले ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करेंगे. ठीक है, अगर हम बाद वाले को ऑब्जेक्ट मान ले तो जो पहले वाला है उससे पहले जो है टू लगा देंगे. जैसे आई गेव हिम ए पेन, आई गेव हिम ए पेन, जैसे इसमें क्या आ गए, दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो हमने मान लिया दूसरा, कि हम दूसरा वाला ले रहे हैं ए पेन. ठीक है, ए पेन, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी तो वॉज हो गया, थर्ड फॉर्म गिवन होगी, लेकिन इस बार क्या होगा, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट बच गया था पहले वाला उसके सामने टू लगा देंगे, ए पेन वॉज गिवन टू हिम बाय मी. ठीक है, अगर हम हिम को माने ऑब्जेक्ट, ठीक है, हिम को ऑब्जेक्ट मान के करें तो ये हिम का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट ही बन जाएगा, ही के साथ वॉज आ जाएगा, गिवन हो जाएगा, ए पेन, ही वॉज गिवन ए पेन बाय मी. ठीक है, तो जब हम पहले वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हम टू नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे तब टू आएगा. आपने देख भी लिया, जब हमने दूसरे वाला माना तो हमने हिम से पहले टू का यूज किया, लेकिन जब हमने दूसरे वाले को माना ऑब्जेक्ट और उसे सब्जेक्ट बनाया तो हमने पहले वाले के मतलब दूसरे वाले के सामने क्या नहीं लगाया, टू नहीं लगाया है. ओके, तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए इसके. नेक्स्ट है टू इन्फिनिटिव केस, अगर वाक्य में वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू से पहले दिए गए सब्जेक्ट और वर्ब उठाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द चिल्ड्रन लाइक टू ईट चिप्स, तो इस वे में ये उठाएगा, सब्जेक्ट बनाते हैं पहले, तो यहां हो जाएगा तो सब्जेक्ट इसमें ऐसे कैसे रहेगा, जब टू आएगा तो ऐसे कैसे रहेगा, द चिल्ड्रन था तो द चिल्ड्रन ही रहेगा, लाइक रहेगा, फिर क्या करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट उठाएगा, मीन्स चिप्स लेगा, यहां से चिप्स लिया, चिप्स के साथ यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ हम टू ऐड करेंगे, चिप्स टू, उसके बाद बी लगेगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी इटन. ठीक है, तो द चिल्ड्रन लाइक्स चिप्स टू बी
तो ऑब्जेक्ट के साथ टू बी एड हो जाएगा। जैसे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, तो आई वॉन्ट जहां पर भी टू आएगा वहां पर बोला गया है, आई वॉन्ट हो गया। ठीक है, आई वॉन्ट होने के बाद मतलब सब्जेक्ट भी ले लिया हमने, वर्ब भी आ गई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया, आई वॉन्ट दिस बुक, यानी कि ऑब्जेक्ट आया। अब ऑब्जेक्ट के साथ टू बी जुड़ेगा और बी भी जुड़ेगा, तो टू बी हो गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, बस इतना याद रखिए, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी टू आता है तो वहां पर जो है सब्जेक्ट वैसे के वैसे रहेगा, और उस सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हम किसको उठाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या ऐड हो जाएगा, टू और बी, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाएगी। ठीक है, ओके। अगर इट इज टाइम से कोई वाक्य शुरू होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए इट इज टाइम टू रीड दिस बुक, टू तो इसमें भी आया है, ठीक है इसमें भी आया है टू, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इट इज टाइम टू की जगह क्या हो जाएगा फोर, इट इज टाइम फॉर, फिर हमने ऑब्जेक्ट उठाया दिस बुक और टू भी रखा और रेड लगा दिया। तो जब इट इज टाइम से शुरू होगा कोई सेंटेंस तो सिर्फ फोर और एड हो जाएगा, बाकी वही टू के साथ मतलब ऑब्जेक्ट के साथ टू भी एड रहेगा और लास्ट में थर्ड फॉर्म रहेगी। जैसे इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, तो इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इट इज टाइम नहीं है तो फिर सिंपल वही रहेगा, फिर आपको फोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, पैसिव केस में निम्नलिखित वर्ब के साथ बाय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इन वर्ब्स के साथ इनकी प्रीपोजिशन लगती है जो इस प्रकार है। ओके, कुछ केस ऐसे थे जिनमें हम बाय का यूज नहीं करते हैं, जैसे अगर आ जाए इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड के साथ लगती है प्रीपोजिशन इन, कंटेन्ड इन, नोन टू, नोन बाय नहीं होगा, ठीक है नोन इन, नोन टू हो जाएगा, सरप्राइज्ड एट, ऑफेंडेड एट, वेक्स्ड एट, Satisfied with, pleased with, charmed with, tired with, तो इनके साथ इस तरीके से लगेंगे। जैसे I know you, तो you are known to me, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि known के साथ हमने पढ़ी ना कौन सी preposition लगेगी, to लगेगी। तो ये कुछ वाक्य ऐसे थे जिनके साथ उनकी preposition ही जाते हैं, by नहीं जाते हैं, मतलब यानी ऐसे नहीं लिख सकते हम कि you are known by me, by नहीं आएगा, to आएगा, क्योंकि इसकी प्रीपोजिशन इसके साथ ही जाती है। आगे दिस जग कंटेन्ड मिल्क, अब कंटेन्ड है, कंटेन्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ी हमने, इन लगती है, तो मिल्क वॉज कंटेन्ड इन दिस जग हो जाएगा। फिर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, एट लगती है, ऑफेंडेड हो, वैक्स्ड हो, सरप्राइज्ड हो, इनके साथ एट लगती है। ठीक है, तो हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, मी का सब्जेक्ट बना लिया हमने, आई वॉज सरप्राइज्ड एट His behavior हो जाएगा। ठीक है, तो ये preposition वाले भी आपको पता होनी चाहिए। Next है universal truth, सार्वभौमिक सत्य, and with that clause case में passive voice it is plus verb की third form से शुरू होगा। जैसे we hope that India will win, okay, इसको कैसे लिखेंगे, तो एक आ गया, अगर सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर दैट क्लोज वाला जो केस मतलब दैट आया हो जिसमें, उसमें क्या करेंगे, उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट इज और प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख ही रहे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, ये तो पक्का है। आगे देखिए, वी होप दैट इंडिया विल विन, यहाँ पे दैट आ चुका है, तो किससे शुरू होगा ये, इट इज से शुरू हो जाएगा, तो इट इज थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, होप्ड, इट इज होप्ड दैट इंडिया विल विन। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल से दैट गॉड इज वन, क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है, पीपल से दैट गॉड इज वन, इसे हम किससे शुरू करेंगे, इट इज से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से की जगह क्या हो जाएगी, सेड हो जाएगी, इट इज सेड दैट गॉड इज वन। नेक्स्ट, पीपल बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर, तो इट इज बिलीव्ड हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म, इस पीपल को नहीं लेंगे क्योंकि तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम अनइम्पोर्टेंट जो वो होता है सब्जेक्ट उसको एड नहीं करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इट इज बिलीव्ड दैट गॉड इज एवरीवेयर। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो उसमें क्या करेंगे, अगर हमने ये भी पढ़ा था जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे किस तरीके से चेंज किया था, जैसे हमने ओपन द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ओके कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाक्य का सब्जेक्ट लेंगे और पैसिव बनाएंगे, जैसे द गोट्स आर ग्रेजिंग, तो इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, गोट्स ही रहेगा, तो गोट्स लेंगे हम यहाँ पे, द गोट्स आर बीइंग ग्रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म था तो बीइंग लग गया और थर्ड फॉर्म तो होगा ही, द गोट्स आर बीइंग ग्रेज्ड। ठीक है, द गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास, ये है विद ऑब्जेक्ट, ये था विदाउट ऑब्जेक्ट, अब
सब मतलब ऑब्जेक्ट भी दे दिया, तो इसमें कैसे हो जाएगा, द ग्रास इज बींग ग्रेज्ड बाई द गॉड्स, उसमें ऑब्जेक्ट्स को आगे ले आएंगे, अगर जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पे सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम कर देगा। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट। ऊपर लिखे इस वाक्य में स्वीट क्या है, एडजेक्टिव, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने सब्जेक्ट रोज को ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट को मान लेंगे, मीन्स पैसिव वॉइस दिया हो हमें, जैसे द पुअर आर, हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका वो बनाएंगे एक्टिव वॉइस, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ही, मतलब जो वो होगा सब्जेक्ट को ही वो मान लेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसे यहां पे था सिर्फ क्या किया हमने, द पुअर था, इसे ऑब्जेक्ट बना दिया, थर्ड फॉर्म थी हेल्प्ड बना दी, और ये क्या हो जाएगी, पीपल हेल्प द पुअर। ऊपर लिखित पैसिव वॉइस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं, और इसका एक्टिव वॉइस बनाते समय पीपल को सब्जेक्ट मान लिया गया है। ठीक है, क्योंकि पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसे जोड़ने का मतलब जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, अगर एक्टिव वॉइस वाक्य में मेक बिड फील हेयर सी वॉच नोटिस ऑब्जर्व प्लीज वर्ब्स किसी भी फॉर्म में आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई मेड हिम सिंग ए सॉन्ग, वाक्य में क्या आ गया, अब मेक आ गया, नहीं सॉरी मेड आ गया। ओके, ये किसी भी फॉर्म में आ जाए, तो मेक था तो यहाँ पे मेड हो गया, ये किसी भी फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम था यहाँ पे, हिम हमने बना लिया ऑब्जेक्ट, ही के साथ यहाँ पे मेड है, सेकंड फॉर्म आई है तो वॉज हो जाएगा, ही वॉज मेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो ही वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग बाय मी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इनमें से कोई भी वाक्य है जो हमने यहाँ पे पढ़े, मेक आई बिड फील हियर सी, इनकी कोई भी फॉर्म आ जाए, उनका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव वॉइस निम्नलिखित रूप से होगा। जब भी कोई वाक्य लेट अस से शुरू होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, या फिर लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड। जैसे लेट अस प्ले हॉकी था तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले होके, और लेट अस कट हो जाएगा वहां पे, या ये भी लिख सकते हैं इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड प्ले हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मतलब सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी है और गोइंग टू लग गया है तो वो कैसे बनेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी और गोइंग टू के साथ बी एड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कोमल इज गोइंग टू रीड द न्यूज पेपर, गोइंग टू आ गया अब यहाँ पे, तो पहले आ जाएगा द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर इज Going to be read by कोमल, सिंपल क्या किया, सिर्फ बी को एड किया गया है। ठीक है, गरिमा इज गोइंग टू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी टेकन बाय गरिमा। ठीक है, सिर्फ बी जोड़ा गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म की गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय एनी, अगर नकारात्मक वाक्य में ऑब्जेक्ट एनी लगाकर आ जाए तो हम एनी को नो में बदल देंगे और नॉट को हटा देंगे। जैसे मोहन डज नॉट हेल्प एनी बडी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ एनी लगा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एनी को नो में बदल देंगे, यानी कि एनी बडी क्या हो जाएगा, नो बडी हो जाएगा, और नॉट जो होगा ना यहाँ पे, जैसे नॉट दिया है इसको हटा देंगे, नो बडी इज हेल्प्ड बाय मोहन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रीपोजिशन आफ्टर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए, पैटर्न क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके को कैसे बदलेंगे, देखिए, द बॉयज वर लाफिंग एट द क्लोन, तो क्या हो जाएगा इसका, द क्लोन, यहां पे देखिए वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ रही है, द क्लोन वॉज बींग, क्योंकि आई एनजी फॉर्म थी, लाफ्ड हो गया थर्ड फॉर्म, इसके साथ एट ऐसे की ऐसे रहेगा और बाय द बॉयज हो जाएगा, मतलब वो प्रीपोजिशन जो है वो उसके बाद ही रहेगी, थर्ड फॉर्म के बाद हो जाएगी। ठीक है, आगे रूल नंबर 22 इन्फिनिटिव केस, इन्फिनिटिव केस के लिए पैटर्न देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट हो प्लस इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो,
ठीक है, इज एम आर के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तक हम पढ़ रहे थे इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आई एन जी वाली फॉर्म, ठीक है, लेकिन इस बार अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसका कैसे बनेगा, देखिए, कोमल इज टू बाय टॉयज, तो क्या हो जाएगा, टॉयज आर टू, और इसके साथ बी और जुड़ जाएगा, टॉयज आर टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी और बाय कॉमन हो जाएगा, तो सिर्फ बी को ऐड किया गया। जैसे मिस्टर रोहिला इज टू टीच मी, मी था तो आई हो गया, आई के साथ एम लग गया, आई एम टू बी टॉट बाय मिस्टर रोहिला, ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म से। नेक्स्ट है आई हैव टू टीच ग्रामर, इसमें क्या किया, ग्रामर, ग्रामर के साथ हैज लगेगा, हैव नहीं आएगा, हैज और टू बी कर दिया, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी, ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया, सिर्फ क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे उसके साथ टू बी को ऐड कर देंगे। ठीक, अगला देखिए, लास्ट रूल है देयर इज आर वॉज वर्ब प्लस नाउन प्लस टू इन्फिनिटिव पैटर्न का पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, देयर इज आ जाए, नाउन आ जाए, और ये इस तरीके से आए तो उसका कैसे बनेगा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, देर इज नो टाइम टू रीड दिस बुक्स, तो देर आ गया तो इसको बनाएंगे, देर इज नो टाइम टू बी हो जाएगा, रीड दिस बुक, सिर्फ बी एड करना है, मोहन इज ए मैन टू रिस्पेक्ट, तो मोहन इज ए मैन टू बी रिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा कि किसका जो है सही आंसर क्या आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दे आर बिल्डिंग ए टेम्पल नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, ऑप्शंस नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे हमने सब्जेक्ट देख लिया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये देखिए ए टेम्पल नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो लेंगे हम सिर्फ ए टेम्पल, ए टेम्पल आ जाएगा सबसे पहले, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, ए टेम्पल, ठीक है, टेम्पल के साथ क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, टेम्पल के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो ए टेम्पल इज, अब यहां पे आई एन जी फॉर्म थी तो बींग भी जुड़ेगा, तो ये टेम्पल इज बींग हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट, बिल्ड था ना, बिल्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्ट बाय देम, देखा देम बन गया, और जो बाद में बचा इसको जोड़ दीजिए, बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेम्पल इज बींग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें होगा ए प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, शुड था तो बी तो जुड़ेगा ही यहां पे, और इससे पहले भी हमने जो है इस तरीके का एक किया था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, कैसे बदला था, जब भी मोडाल आते थे तो बी लगाते थे हम, तो ड्यूटी शुड बी डन लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्रॉमिस शुड बी, कीप की जगह थर्ड फॉर्म कैप्ट हो जाएगी, तो ए प्रॉमिस शुड बी कैप्ट हो, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए यहां पे सिंपल हो जाएगा, आई रिमेंबर बींग, ओके यहां पे आई रिमेंबर से होगा, आई रिमेंबर तो रहेगा ही, अब यहां पे आई एनजी फॉर्म है तो बींग हो जाएगा, आई रिमेंबर बींग, ठीक है, और टेकन, टेक था थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी, आई रिमेंबर बींग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा, तो आई रिमेंबर टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बींग भी जुड़ेगा, रिमेंबर माई सेल्फ लिखा है, आई रिमेंबर आई वॉज टेकन नाउ, क्योंकि आई एन जी फॉर्म थी तो बींग तो आएगा ही, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट है व्हाट डू यू, Why do you waste time? Why do you waste time? दिया भाई क्वेश्चन मार्क वाला है, Why था तो Why का Why ही रहेगा, ठीक है, ये तो आएगा ही, Do है तो is वाला आएगा, ठीक है, Has तो नहीं आएगा, तो Has वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, Is वाला आएगा,
ठीक है, इज टाइम वेस्टेड बाय यू या इज टाइम बीन वेस्टेड, बीन भी नहीं होगा, बीन भी नहीं होगा और ना ही बीइंग होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। ओके, नेक्स्ट है मोहिनी वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, राइटिंग आया तो क्या आएगा, बीइंग तो आएगा ही आएगा, तो जिसमें बीइंग नहीं होगा उसे हम कट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे लेटर वॉज रिटर्न टू हर फादर बाय मोहिनी, तो बींग नहीं है, नहीं आएगा। लेटर हैज बीन हो गया, हैज बीन कैसे आ जाएगा जब वहां पे ऑलरेडी वॉज गिवेन है, ठीक है, तो वॉज के साथ वही आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आईएनजी लगा है तो बींग जुड़ जाएगा वॉज वर्ब के साथ, ठीक है, तो हैज बीन तो नहीं होगा। फिर ए लेटर हमने माना, ठीक है, लेटर के साथ वॉज भी आ गया, बींग भी आएगा, ए लेटर वॉज बींग, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न बाय मोहिनी टू हर फादर, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बींग नहीं जोड़ा तो ये गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर रोहिला टीचेस अस ग्रामर, मिस्टर रोहिला टीचेस अस ग्रामर, इसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो आईएनजी फॉर्म तो नहीं आएगी इसमें, जहां पे बींग लिखा हुआ है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे बींग वाले, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। आगे देखिए, ग्रामर इज टोट अस बाय मिस्टर रोहिला या वी आर टोट ग्रामर बाय मिस्टर रोहिला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस था यहाँ पे, इसको हमने वी में चेंज कर लिया, ठीक है, वी के साथ लगता है आर, इज एम आर लगेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी आर टीच टीचेज है ना, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर रोहिला, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम, हु की जगह बाय हुम हो जाएगा, जहां पे हु है वो गलत है तो ये कैंसिल हो गया, अब बाय हुम होगा, आईएनजी फॉर्म है तो बींग भी जरूर लगेगा, जिसमें नहीं लगा वो कट है, तो बी वाला भी कट हो गया, ठीक है, तो अब इन दोनों में बींग आया है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगी है वो भी गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क में सब्जेक्ट से पहले लगती है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, जो जो रूल पड़े हैं सिर्फ वो अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय होम इज दिस प्रॉब्लम बींग क्रिएटेड, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्लोन वॉज बींग लाफ्ड एट बाय दैम, वॉज बींग आ गया अब यहाँ पे, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, ओके, देम आ गया यहाँ पे, तो सबसे पहले तो इसे दे में चेंज कर देंगे, दे के साथ वर लगेगा क्योंकि वॉज बींग है, मतलब वॉज बी बी के साथ, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आई है तो वर आ जाएगा, ठीक है, वॉज बींग लाफ्ड है ना, ओके, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, ओके, ये सॉरी सॉरी, ये पैसिव वॉइस में है, वॉज बींग लाफ्ड है ना, तो ये पैसिव वॉइस में, तो हमें इसका एक्टिव बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे वर लाफिंग हो जाएगा, क्योंकि बींग कब लगेगा, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो लाफ्ड थर्ड फॉर्म थी तो हम इसे आईएनजी फॉर्म में ले आएंगे क्योंकि बींग आया यहाँ पे, तो लाफिंग हो गया, और दे के साथ तो वर लगता है, ठीक है, इसीलिए वॉज की जगह वर आया, दे वर लाफिंग एट द क्लोन, तो ये हमें पैसिव से एक्टिव में चेंज करना था, वो ऑलरेडी पैसिव गिवन था वहां पे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आई सा राज लिविंग द हाउस, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो देखते हैं, यहाँ पे वर्ब का जो काम करेगी वो करेगी सा, ये वर्ब है और ये कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं, तो हैड बीन कैंसिल, इसमें देखिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें है राज वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस, तो टू बी क्यों लगाएंगे, जब हमारे पास टू बी है नहीं तो हम अपनी तरफ से क्यों लगाएं इसे, तो ये भी कैंसिल हो गया। आगे लिविंग द हाउस राज वॉज सीन बाय हिम, तो ये इस तरीके से नहीं लेते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, सिर्फ राज लेंगे और ये लिविंग द हाउस जो है इसे बाद में लगाएंगे हम, तो राज वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, मस्ट है, मोडाल आया तो बी तो आएगा मस्ट के साथ, ठीक है, तो देखिए जिसमें मस्ट के साथ बी नहीं लगा है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो देखिए मैं मस्ट को काट ही दिया गया है, इसमें दिस मैटर मस्ट लुकड इन टू बाई यू, नहीं, मस्ट के साथ तो बी भी आएगा, दिस मैटर इन टू लुकड बाई यू, ये भी नहीं होगा, मस्ट बी वाला हो जाएगा, दिस मैटर
मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू. सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, हु सॉल्व दीज सम्स. हु की जगह बाय होम, ठीक है. दीज सम्स है, दीज सम्स हम देखे आएंगे आगे. सम्स के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, नहीं सॉरी वर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है. दीज सम्स वर बाय, क्या लिखेंगे, दीज सम्स वर सॉल्व बाय, सॉल्व वर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा दीज सम्स वर सॉल्व. तो यहाँ पे बाय होम वर जो है आगे आ जाएगा, तो बाय होम वर दीज सम्स सॉल्व, यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन इलेवेंथ का, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु टीचिज यू इंग्लिश. हु की जगह बाय होम हो गया, तो इंग्लिश वाला कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बाय होम. फिर आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको बनाएंगे तो इंग्लिश इज एम आर लगेगा, क्योंकि टीचिज है फर्स्ट फॉर्म है, तो इंग्लिश सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, इंग्लिश इज आ जाएगा, ठीक है. इंग्लिश नहीं सॉरी आर आएगा, यस आर आ जाएगा, इंग्लिश आर, ठीक है. इंग्लिश आर, आर क्यों आएगा, क्योंकि यू ले रहे हैं ना, सॉरी ये हो जाएगा ना, यू आर टॉट इंग्लिश, तो इस आर को आगे लगा देंगे, आर यू टॉट इंग्लिश, तो बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, वी होप दैट वी शैल विन द मैच. वी होप दैट वी शैल विन द मैच, इसमें किस तरीके से बनेगा. होप दैट वाला आ गया अब यहाँ पे, जो हमने दैट वाले पढ़े थे उसमें क्या था, इट इज लगना था और थर्ड फॉर्म आ जानी थी, ठीक है, इट इज के साथ. तो इसमें ऐसा सिर्फ एक ही है, इट इज होप्ड दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस, ठीक है. तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, रेन डिस्टर्प्टेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इसको बदलना है, तो क्या लिखेंगे, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज आ जाएगा, ठीक है. द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज, थर्ड फॉर्म क्या आएगी फिर इसके, डिसरप्टेड बाय रेन. इस तरीके से ये सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. तो देखिए कौन सा सही बनेगा, द लास्ट डेज प्ले ऑफ, ऑफ लगा दिया इसमें तो ये गलत हो गया, यहाँ पे भी प्ले ऑफ द लगा दिया ये भी गलत हो गया. तो यहाँ पे देखिए, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिस्टर्प्टेड या वर डिस्टर्प्टेड, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज डिस्टर्प्टेड, तो यहाँ पे थर्ड वाला सही हो जाएगा, वर नहीं आएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, माई अंकल प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट. इसका किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए ये बन जाएगा मी से आई, सॉरी एक मिनट, वेट, देखिए मी से आई आ जाएगा, ठीक है. आई यहां पे सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर लगेगा, आई वॉज, ठीक है. थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्रोमिस्ड, आई वॉज प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट बाय माई अंकल, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है. तो ये थे वॉइस, इससे रिलेटेड रूल्स. थैंक यू सो मच.